नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 25 दिसंबर से पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार ने चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में चुनाव के तारीखों का ऐलान जल्द होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 15 नवंबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश में जुटी है। सरकार चाहती कि पंचायत चुनाव को 25 दिसंबर से पहले करा लिया जाए। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों पहले ही जिलों के कलेक्टर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस मीटिंग में मतदान केंद्रों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। झारखंड में 4 से 5 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की बात पहले से भी सामने आ चुकी है। एक चरण का चुनाव कराने में 7 से 10 दिन का वक्त लगता है। ऐसे में राज्य सरकार चुनाव प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहती है ताकि 25 दिसंबर से पहले इसे पूरा कर लिया जाए। पंचायत चुनाव के संबंध में प्रदेश के ग्रामीण एवं विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार हर हाल में दिसंबर तक पंचायत चुनाव कराएगी। उन्होंने दावा किया कि इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। झारखंड के मंत्री ने कहा कि तारीख अभी नहीं बता सकते क्योंकि यह अभी प्रक्रिया में है। राज्य सरकार चुनाव प्रस्ताव राज्यपाल को भेजेगी। राजभवन से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 14 कोरोना संक्रमित, 8 ठीक हुए, 126 बचे हैं एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 8 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। अब जाकर झारखंड में 126 एक्टिव केस बचे हैं। 24 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा 7 कोरोना संक्रमित रांची में मिले हैं। वहीं अब तक पूरे राज्य में 3,48,381 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है। इनमें से 3,43,126 ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बोकारो में 4, पूर्वी सिंहभूम से 2, रामगढ़ से 1 और रांची से 7 मरीज की पहचान की गई है। झारखंड में चक्रवाती तूफान के आसार, 15 अक्टूबर से इस दिन तक रहेगा असर। राजधानी में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवात बन रहा है जिसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। झारखंड में चक्रवाती तूफान का असर 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के माने तो 15 अक्टूबर को राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 15 से 17 अक्टूबर तक राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर को राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। 16 अक्टूबर को राज्य के मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकता है। वहीं 17 अक्टूबर को कई जगहों पर मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके बाद 18 और 19 अक्टूबर को भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम केंद्र ने मौसम में बदलाव को देखते हुए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के 5 एयरपोर्ट पर सोलर प्लांट से बनेगी बिजली, फरवरी से होगा उत्पादन। झारखंड के 5 एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है। इन हवाई अड्डों पर सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद के एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। झारखंड सरकार की इस योजना के तहत इन हवाई अड्डों पर सोलर प्लांट से बिजली बनाई जाएगी। इन 5 हवाई अड्डों पर अगले साल फरवरी से बिजली का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। यहां सोलर प्लांट लगाने के लिए एजेंसी के चयन की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य हवाई अड्डों को ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। सरकार जल्द ही सौर ऊर्जा नीति भी लाने जा रही है। इसमें लोगों को सोलर संयंत्र लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। हालांकि केंद्र की योजना भी संचालित है जिनमें केंद्र और राज्य मिलकर अनुदान भी दे रही है। इधर गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का खाका भी तैयार हो चुका है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को दी पूजा की शुभकामनाएं।
दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने राज्यवासियों को शुभकामना दी। राज्यपाल रमेश बैस ने दुर्गा पूजा को लेकर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कहा वे सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। देश और राज्य से कोरोना महामारी का पूरी तरह उन्मूलन हो एवं समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना में वृद्धि हो। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी देश और झारखंड वासियों को महानवमी के पावन पर्व की अनेक अनेक बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ आप सभी को खुशहाल और स्वस्थ जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा कि नवरात्रि के नवमी तिथि पर माँ सिद्धदात्री की उपासना की जाती है। सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली माता सिद्धदात्री से यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा सभी पर सदैव बरसती रहे और आपके भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो। मंत्री ने अपने घर में कुंवारी कन्या की भी पूजा की। कहा कि महानवमी के पावन पर्व पर नन्ही देवियों के पावन चरणों से मेरा निवास धन्य हो गया। उनकी उपस्थिति से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा और उनकी निश्चल हंसी से अंत मन आनंदित हो गया। उनके पावन चरणों से घर आंगन पवित्र हो गया। बेटियां ही सुख समृद्धि खुशहाली का आधार है, इनकी पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है। राष्ट्रपति से मिले सरयू राय, जमशेदपुर में नगर पालिका गठन करने का किया आग्रह। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। इस दौरान सरयू ने संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप जमशेदपुर में अब तक नगर पालिका का गठन करने का आग्रह किया। सरयू ने उन्हें जमशेदपुर में नगर निगम या औद्योगिक शहर का गठन करने की संवैधानिकता पूरा करने के बाद ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा है कि मैं कई वर्ष से प्रयत्न कर रहा हूं कि जमशेदपुर में एक विधिसम्मत नगर निकाय का गठन झारखंड सरकार करे। सरयू ने कहा कि 2005 में झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में नगर निगम गठित करने का निर्णय किया था। विधानसभा से एक अधिनियम भी पारित हुआ था लेकिन यह निर्णय लागू नहीं हो सका। इतने वर्ष बीतने के बावजूद जमशेदपुर में अभी तक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति पहले की तरह ही कार्यरत है, जो संविधान सम्मत नहीं है। जमशेदपुर एक बृहद शहरी क्षेत्र है जहाँ संशोधन के नगर निगम या औद्योगिक शहर की स्थापना हो जानी चाहिए थी। आप संविधान एवं संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों के सर्वोच्च संरक्षक हैं। जमशेदपुर के नागरिकों को नगर निकाय गठन का संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाने का मार्ग प्रस्त करें। सरयू ने राष्ट्रपति को अपनी लिखी हुई पुस्तक समय का लेख भी भेंट किया। खदान में उतरे कोयला मंत्री बोले कार्य संस्कृति बदले अधिकारी, सिर्फ उत्पादन और डिस्पेच पर ध्यान दें। देश के पावर सेक्टर में कोयला संकट को देखते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने त्योहार का मौसम होने के बाद भी खुद मोर्चा संभाल लिया है। वे पूरी टीम के साथ कोल इंडिया की कोयला कंपनियों का दौरा कर रहे हैं। ECL का दौरा करने के बाद जोशी गुरुवार को CCL के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे CCL के मेगा प्रोजेक्ट में पहुंचे और कोयले का उत्पादन और डिस्पेच का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य संस्कृति में बदलाव लाने की नसीहत दी, सिर्फ उत्पादन और डिस्पेच पर ध्यान देने पर जोर दिया। मंत्री CCL और BCCL CMD और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आप सबको बता देना चाहता हूं कि देश में कोयला का संकट चल रहा है। पावर प्लांटों के डिमांड के अनुसार कोयला नहीं मिल रहा है, इससे देश में बिजली संकट की चेतावनी दी गई है। कोयले के संकट को दूर करने के लिए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुद मोर्चा संभाला है। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर दीप जलाकर मनाया गया टीकाकरण उत्सव। देश भर में इस माह लगभग 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण होने के आंकड़े तक पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में गुरुवार को टीकाकरण उत्सव मनाया गया। इस दौरान रांची के जिला सदर अस्पताल केंद्र, मोरहाबादी टीकाकरण केंद्र, ATI केंद्र, रेड क्रॉस सोसाइटी केंद्र, IMA टीकाकरण केंद्र सहित जिला के सभी CHC में दीप जलाए गए। इसे लेकर सभी जगहों को बैलून और LED लाइटिंग से सजाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि पूजा के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में एक सही संदेश जाएगा और टीकाकरण जैसे अभियान को गति मिलेगी। इस माह के तीसरे सप्ताह तक देश भर में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण लग जाने की उम्मीद है। राजधानी में भी टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है और अभी तक करीब 19 लाख लोगों को दोनों वैक्सीन मिल चुका है। कार्यक्रम के आयोजन के बाद सभी केंद्रों को वीडियो फोटोग्राफ और आयोजित हुए कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट IEC कोषांग को भेजा जा रहा है। BCCL मुख्यालय कोयला भवन के परचेज विभाग में भड़की आग, अकाउंट सेक्शन जलकर खाक, बड़ी साजिश की आशंका।
कोल इंडिया की अनुसंगी इकाई BCCL के मुख्यालय कोयला भवन में अगलगी की घटना हुई है। इस घटना में अकाउंट सेक्शन को काफी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में फाइलें जलकर खाक हो गई। इसे साजिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर फिलहाल कंपनी के अधिकारी मौन हैं। आधिकारिक रूप से बयान जारी नहीं की गई है। वैसे आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जांच के बाद ही साफ होगा कि आग लगने का क्या वजह है। BCCL मुख्यालय कोयला भवन में मंगलवार की देर रात 2 से 3 बजे के बीच कॉमर्शियल विभाग के अकाउंट सेक्शन में आग लग गई। यह सेक्शन पूरी तरह जल गया। अकाउंट सेक्शन कॉमर्शियल ब्लॉक की पश्चिमी मंजिल पर है। आग परचेज विभाग के कमरा नंबर 19 के अकाउंट सेक्शन में लगी। देखते ही देखते कमरा नंबर 20 तक पहुंच गई। इससे वहां रखी गई महत्वपूर्ण फाइल जल गई। वहां मौजूद सुरक्षा BCCL और CISF के सुरक्षा गार्डों ने अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को और 6 दिन तकलीफों से भरे होंगे। जेल के उस वार्ड में 250 कैदियों के साथ रहेंगे जहां करवट बदलना भी मुश्किल। लाइन में लगकर लेना होगा खाना। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी किंग खान के बेटे आर्यन फिलहाल 20 अक्टूबर तक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आर्यन ऑर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 बनाए गए हैं। आज ही क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद आर्यन को आमद वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आर्यन के साथ केस के 5 अन्य आरोपियों को भी इसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। सभी अगले 6 दिन तक 250 से ज्यादा लोगों के साथ बेहद कष्टदायक जीवन बिताने वाले हैं। डॉन डब्ल्यू सिंह का राइट हैंड राजू तिर्की गिरफ्तार। बनारस के एक होटल से की गई गिरफ्तारी। आरोपी ने कहा डब्ल्यू सिंह की गिरफ्तारी की बात गलत। प्लामो पुलिस ने गैंगस्टार कुणाल सिंह हत्याकांड में राजू तिर्की को बनारस से गिरफ्तार कर लिया है। राजू तिर्की डॉन डब्ल्यू सिंह का राइट हैंड है। डब्ल्यू सिंह द्वारा प्लान किए गए अपराधी घटना को अंजाम देने में राजू तिर्की का अहम रोल रहता है। SP चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को राजू तिर्की के बनारस में होने की सूचना मिली थी। सदर SDPO के विजय शंकर बनारस पहुंचे और बुधवार की रात एक होटल के कमरे से राजू को गिरफ्तार कर लिया। होटल में वह प्रमोद उरांव के नाम पर ठहरा हुआ था। प्रमोद उरांव के नाम का आधार कार्ड राजू तिर्की के पास से बरामद हुआ है। राजू का प्लान बनारस से पटना जाने का था। पटना का रेल टिकट पुलिस को उसके पास से मिला है। दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।